वेलकम बैक टू प्रिया ट्यूटोरियल। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, यूजी, पीजी, बीएड स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीआरएस यूनिवर्सिटी के बारे में। उन्होंने क्या किया है, आपकी फाइनल डेट शीट निकाल दी है सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों की, जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं और जो कोर्सेज रनिंग हो रहे हैं आपके यूटीटीज में। ठीक है, हमने कुछ दिन पहले टेंटेटिव डेट शीट डिस्कस की थी कि यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिव डेट शीट निकाल दी है। और हम कहते हैं हमेशा कि जो टेंटेटिव होती है वही फाइनल डेट शीट होती है। तो आज फाइनल डेट शीट निकल चुकी है, तो देखते हैं कि कब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, कौन सा मोड आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली गो टू द साइट। जैसे आपको पता है crsu.ac.in पे आप जाएंगे एंड आप डेली अनाउंसमेंट का एक टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग जो है, यहाँ से देखेंगे जो भी न्यू अपडेशन आती है, न्यू नोटिफिकेशन आती है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेट शीट के बारे में, तो आज फाइनल डेट शीट निकाली है उन्होंने सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की कोर्सेज रनिंग यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, जो टीचिंग डिपार्टमेंट में है, लाइक एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए, इकोनॉमिक्स, बीपीएड। ठीक है, तो आपके 11th ऑफ अगस्त से स्टार्ट है पेपर। आपको टाइमिंग गिवन है, मॉर्निंग शिफ्ट है आपकी, कोर्सेज गिवन है, कौन सा पेपर है, सेमेस्टर आपके सेकेंड एंड फोर्थ है, उसके बाद पेपर आईडी गिवन है, और मोड क्या है कि रेगुलर और रीअपीयर दोनों के स्टूडेंट्स के जो पेपर है वो साथ में ही स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पेपर स्टार्ट है और एंड होंगे आपके 31st अगस्त को। तो यहाँ से आप अपनी डेट शीट को अच्छे से डाउनलोड कीजिएगा, कौन सा पेपर है आपका। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसमें अपना पेपर लिखिए, शिफ्ट लिखिए और डेट डालते रहिए कि इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है। तो शीट पर लिख के उसको डोर पे पेस्ट कर दीजिए। मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको रोज़ रोज़ फ़ोन में नहीं देखना पड़ेगा कि मेरी डेट शीट क्या है, नेक्स्ट पेपर कब है। सिंपली एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए सारे डेट्स को, सारे पेपर्स को, आईडीज को, और उसके बाद मोड क्या है आपका, रेगुलर रीअपीयर, जो भी जिस भी अपीयर के आप स्टूडेंट्स हो, तो ऐसे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस वही है कि आपके पेपर ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। आपको सेंटर में जाके एग्ज़ाम देने हैं सारा, जैसे आप पेन पेपर में देते आ रहे हो वैसे आपको पेपर देना है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा है आपका, ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। तो बस वही कोविड की इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है कि मास्क पहन के जाना है, वाटर बॉटल लेके जानी है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, या फिर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ पर नहीं लेके जाना। ठीक है, तो 11th से स्टार्ट है, 31st को आपके फिनिश है, और आपके पेपर कैसे हो रहे हैं ऑफलाइन, और ये क्या है आपकी फाइनल डेट शीट। नेक्स्ट पीजी स्टूडेंट्स की भी सेम है, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर की, उनके भी 11 अगस्त से स्टार्ट है और 31st अगस्त को ही इनके कंप्लीट हो रहे हैं। इनके भी मॉर्निंग शिफ्ट है और इसमें भी रेगुलर रिपीयर दोनों स्टूडेंट्स के बच्चों की डेट शीट क्या है, सेम डेट पे अनाउंस की गई है। देखो, एक अगर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे जिस इंस्ट्रक्शन में दे रखा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके जो पेपर है वो क्लैश कर रहे हैं डेट शीट के, तो आप इनको मेल कर सकते हो इस आईडी पे। ठीक है, आईडी देख लो ना आप, coe@crsu.ac.in। क्लैश कैसे करेंगे, जैसे कुछ बच्चे रेगुलर भी कर रहे हैं और किसी के पिछले ईयर के पेपर रह जाते हैं रीअपीयर के, तो उस दोनों पेपर अगर आपके एक ही दिन में आ रहे हैं, एक ही टाइमिंग पे आ रहे हैं, तो आप इनको मेल कर सकते हो कि मेरे पेपर क्लैश कर रहे हैं, तो वो आपको कोई सोल्यूशन देंगे। तो यही था, आज इन्होंने क्या किया है, फाइनल डेट शीट निकाल दी है आपकी। उसके बाद आपका जब बीएड की है, अभी बीएड का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आप मान के चलिए कि अगस्त एंड तक सबके पेपर फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइंस निकाली है कि 31st अगस्त तक सबके पेपर हमको फिनिश कराने हैं, ताकि न्यू सेशन हम क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें सितंबर तक। तो प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं, तो बीएड के मे भी हो कि ऑफलाइन हो सकते हैं, और मे भी हो ऑनलाइन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसा लेना चाह रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखिए। बाकी कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसको तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हो आपको टाइमली मिलती रहे। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।